हर साल धूमधाम से मनाई जाने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी कोरोना की भारी मार पड़ी है। इस बार भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी हर उन त्योहारों की तरह फीकी नजर आ रही है जो कोरोना काल में मनाए जा रहे हैं। भगवान लड्डू गोपाल में आस्था रखने वाले करोड़ों भारतवासियों को इस बार बेहद निराशा हाथ लगी है। इस बार न तो मंदिरों के कपाट खुल पाए और न ही भगवान कान्हा की सुंदर झांकियां निकाली जा सकी। डांडिया का जो खेल आधी रात को खेला जाता था वो भी कोरोना ने अपनी आगोश में ले लिया है। कोरोना की मार इन त्योहारों पर कुछ इस कदर पड़ी कि भगवान में आस्था रखने वाले लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। बावजूद इसके भले ही मंदिरों के कपाट बंद हो, भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के दर्शन ना हो पा रहे हों, फिर भी लोग अपने अपने घरों में भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मना रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की झांकियां भी निकाली जा रही हैं। वह वासुदेव के द्वारा श्री कृष्ण को लेकर नदी पार करते हुए भी दिखाया गया और जन्माष्टमी के पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हमीरपुर के रोशन कॉम्प्लेक्स में रीत कलेक्शन शॉप का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया। इस मौके पर रीत कलेक्शन शॉप का शुभारंभ सत्यदेवी के द्वारा किया गया। रीत कलेक्शन में ग्राहकों को अपनी पसंद के सूट दुपट्टे साड़ी मिल सकेगी, तो ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए रीत कलेक्शन में ग्राहकों की पसंद के अनुसार सूट पर कढ़ाई और डिजाइन की सुविधा भी मिलेगी। रीत कलेक्शन के मालिक ओमकार राणा ने बताया कि रीत कलेक्शन शॉप में ग्राहकों की मनपसंद के अनुसार डिजाइन बनाने की सुविधा रहेगी, जो कि बाजार में बहुत ही कम देखने को मिलती है। उन्होंने बताया कि रीत कलेक्शन में ग्राहकों को बाहरी राज्य जयपुरी सूट, पटियाला सूट के अलावा अलग अलग डिजाइन अब हमीरपुर में ही बनकर तैयार किए जाएंगे, जिसके लिए परफेक्ट डिजाइनरों की टीम लगी रहेगी। नगर पंचायत बोटा में रैन बसेरा के पास देवभूमि टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने निजी वाहनों को पकड़ा जो गाड़ी में सवारियों को लेकर जा रहे थे। वहीं देवभूमि टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने इसकी सूचना तुरंत बोटा पुलिस कक्ष को दी और पुलिस भी मौके पर पहुंची। नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई और चालान काटे गए। वहीं टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने बोटा पुलिस कक्ष के प्रभारी एएसआई अजात सिंह की तारीफ की। एएसआई अजात सिंह की अगुवाई में पुलिस बढ़िया कार्य कर रही है। हिमाचल प्रदेश में एक निजी यूनिवर्सिटी द्वारा पिछले 10 वर्षों में 6 लाख से ज्यादा फर्जी डिग्रियां बेचने का गोरखधंधा जोरों से चल रहा है। ये बात कांग्रेस उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कही है। राजेंद्र राणा ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई किस मजबूरी में नहीं कर पा रही है। ये सवाल भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली बीजेपी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। ऐसे कौन से कारण हैं जिन्होंने सरकार के मुंह पर इस मामले में पट्टी बांध रखी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल से शुरू हुआ इस शिक्षा माफिया सरगना का साम्राज्य कई राज्यों से होता हुआ राजस्थान तक पसरा चुका है। राजेंद्र राणा ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब 2009 में बीजेपी सरकार ने यूनिवर्सिटी की जमीन संबंधी औपचारिकताएं पूरी न होने के बावजूद भी इस यूनिवर्सिटी को विधानसभा में अप्रूवल क्यों और किस कारण से दी थी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस शिक्षा संरचना पर प्रदेश और प्रदेश से बाहर कई राज्यों में FIR दर्ज थी, जो कि इसकी आपराधिक पृष्ठभूमि पर सवाल बनी हुई थी। FIR होने पर जमीनी औपचारिकता पूरी न होने के बावजूद इस माफिया सरगना को विधानसभा में यूनिवर्सिटी की अप्रूवल देना तत्कालीन सरकार की कारगुजारी पर शक के दायरे में है। उन्होंने कहा कि बिना नाम के 45,000 से ज्यादा डिग्रियां शिक्षा माफिया के राजस्थान स्थित साम्राज्य में मिल चुकी हैं, जिनमें 15,000 से ज्यादा डिग्रियों का इस यूनिवर्सिटी व इसके कॉलेजों से कुछ लेना देना ही नहीं था, जिनका इस यूनिवर्सिटी या
इससे संबंधित कॉलेजों में कोर्स तक नहीं करवाया जा रहा था, ऐसी डिग्रियां भी बरामद हुई हैं। इसके अतिरिक्त बिना लिखी आंसर शीट जिन पर नंबर तक लगाए गए थे बरामद हुई है। उन्होंने कहा कि सवाल ये उठता है कि बीजेपी के राज में शुरू हुए शिक्षा माफिया के इस फर्जीवाड़े का क्रम अब दोबारा बीजेपी सरकार के कार्यकाल में जांच पर जा चुका है, लेकिन सरकार तब भी खामोश थी और अब भी चुप्पी साधे हुए है।